नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु के अनुसार मंदिर में हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपका अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में बना हुआ है। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट के भाग में भगवान का स्थान माना जाता है और यहाँ पर बैठकर जो व्यक्ति ध्यान करता है हमेशा उस व्यक्ति के काम बनते हैं, उसकी सोच और विचार हमेशा अच्छे रहते हैं। यदि आपने अपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ पर आप जोत जलाते हैं तो उसे वास्तु के अनुसार ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज के समय में हर घर के अंदर जोत जलाई जाती है। यदि आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में है और आप अपनी मंदिर में जोत जलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका मंदिर है, मंदिर का दरवाज़ा खोल कर रखें, उसके अंदर एक एग्जॉस्ट की व्यवस्था भी करें और वहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन भी ज़रूर लगाएं, ताकि जो गर्मी वहाँ पर बन रही है वो गर्मी आपके साथ ही साथ बाहर निकल जाए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का भाग जब भी गर्म होता है तो घर के अंदर रहने वाले परिवार में आपसी मतभेद होने के कारण बनते हैं, विचार नहीं मिलते, झगड़े होने के कारण बनते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, मंदिर के अंदर या तो लाल रंग के आसन, लाल रंग का पर्दा लगाया जाता है या पीले रंग के पर्दे या आसन लगाए जाते हैं। यदि आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाग में मंदिर में रेड कलर का आसन है या रेड कलर का पर्दा है तो आप उसको हटाएं, वहाँ पर पीले रंग का पर्दा और आसन लगाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रेड कलर अग्नि तत्व से संबंधित है और येलो कलर, क्रीम कलर का जो आप पर्दा लगाते हैं तो वो आपका अर्थ एलिमेंट का काम करता है और नॉर्थ ईस्ट के जो डायरेक्शन है वो सॉफ्ट अर्थ की डायरेक्शन है, नरम अर्थ, नरम पृथ्वी तत्व की दिशा है। इसलिए आप यहाँ पर हल्का पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल रंग का यदि आपने कोई भी सामान नॉर्थ ईस्ट के भाग में रखा है, मंदिर में रखा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको, लाल रंग के कपड़े को, लाल रंग के सामान को जरूर हटाएं, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और आपका अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में है तो उसमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जो आप मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाए उसमें जो प्लेटफार्म होता है, यानी मंदिर का जो फर्श है और उसके ऊपर जो भगवान का स्थान बनाया जाता है वो ठोस बना दिया जाता है, उसमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, सबसे पहले तो जो फर्श है, फर्श का लेवल पूरे घर के फर्श के लेवल के बराबर हो या हल्का सा नीचा होना चाहिए। इसी के साथ जो आप ठोस प्लेटफॉर्म भगवान के स्थान के लिए बनाते हैं वो नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का भाग पूरे घर के फर्श के लेवल से ऊंचा हो जाता है और वो तकलीफ देने के कारण भी बनाता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का भाग हमेशा हल्का होना चाहिए, खाली होना चाहिए, खुला होना चाहिए। यहाँ पर आप ईस्ट की दीवार के साथ एक स्लैब बना सकते हैं या आप अपना लकड़ी का मंदिर रख सकते हैं। और इसमें जो ध्यान रखना है, यदि आप स्लैब डालते हैं तो स्लैब नीचे से खाली होनी चाहिए, ठोस नहीं होनी चाहिए। और कम से कम भगवान का जो स्थान है, जब आप बैठकर पूजा करें तो नाभि से ऊपर भगवान का स्थान होना चाहिए। जिस भी आप इष्ट देव की पूजा करते हैं उसकी तस्वीर आप अपने मंदिर में लगाएं। इसी के साथ आपको एक बात और कहूँगा, यदि आपके यहाँ अखंड ज्योत लगाने का सिस्टम है तो आप अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में ना बनाएं। क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट के भाग में अखंड ज्योत जलती है वो हल्की सी एक लो, कहने के लिए तो एक छोटी सी लो है, लेकिन जो आपके किचन के अंदर जब खाना बनता है जो गर्मी होती है उससे भी ज़्यादा गर्मी आपके मंदिर में हमेशा बनी रहती है। नॉर्थ ईस्ट के भाग में कभी भी अखंड ज्योत नहीं लगानी चाहिए। यदि आपके यहाँ अखंड ज्योत की प्रथा है तो आप नॉर्थ ईस्ट के भाग में मंदिर को बिल्कुल भी ना बनाएं। मंदिर अगर आपने बनाना है तो ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर आप मंदिर बनाएं और वहाँ पर अखंड ज्योत लगाएंगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जिन घरों के अंदर अखंड ज्योत जलती है ऐसे घरों में हमेशा मतभेद बने रहते हैं, आपसे विचार नहीं मिलते, जब भी बैठते हैं तो झगड़ा होकर उठते हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पैसे का नुकसान भी होता है, चाहे हेल्थ को लेके हो या कहीं पैसे का वैसे नुकसान हो जाए, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। जो बातें मैंने आपको बताई है यदि आप इन बातों पर गौर करते हैं, समझते हैं
और अपने यहाँ देखते हैं और चेंजेस करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।